कोरोना हुआ था। गंगानगर के डॉक्टरों ने ये कह दिया था ये बचेगा नहीं। मेरी गुरुजी से, मैं गुरुजी को बार बार फ़ोन कर रहा था, गुरुजी ने बिल तक बता दिया, इतना बिल आएगा और बिल्कुल जिंदा घर जाएगा, नहीं तो मैं गद्दी पे बैठना छोड़ दूंगा। आपकी जन अदालत न्यूज़ का अपडेट सीधा पंडोकर धाम से जुड़े हुए हैं और अब हम बात करेंगे पाकिस्तान बॉर्डर से आए हैं, जो कि पाकिस्तान इनका बॉर्डर नज़दीक है। क्या नाम है? कमल मित्तल जी। श्री गंगानगर राजस्थान जी। तो पाकिस्तान कितना दूर है आपके यहाँ से? पाकिस्तान ये 10 किलोमीटर होगा। 10 किलोमीटर। क्या समस्या लेकर के आए हैं? मैं तो पिछले 3 सालों से आ रहा हूँ यहाँ पे। जय श्री राम। आपको लगता है कि पंडोकर धाम में चमत्कार होते हैं? मेरे साथ तो बहुत हुए हैं जी। क्या चमत्कार हुआ? एक बताऊँ कितने बताऊँ जी? 50 बताऊँ कितने? मेरे साथ तो बहुत चमत्कार हुए हैं। 4-5 चमत्कार बता दीजिए। 19 सितंबर 2019 को मेरे को कोरोना हुआ था। गंगानगर के डॉक्टरों ने ये कह दिया था ये बचेगा नहीं। मेरी गुरुजी से, मैं गुरुजी को बार बार फ़ोन कर रहा था, गुरुजी ने फ़ोन नहीं उठाया। आखिर मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, गुरुजी मैं मर रहा हूँ। गुरुजी का फ़ोन आया, कहता कुछ नहीं होगा। गंगानगर के डॉक्टरों ने मेरे को रेफ़र कर दिया दिल्ली के लिए। मैं साकेत में मेरे को लेके गए घर वाले। दिल्ली के डॉक्टरों ने भी कह दिया नहीं बचे। बेटा पीछे था एम्बुलेंस के, उसने गुरुजी से रात को 1:30 बजे बात की। गुरुजी ने बिल तक बता दिया, इतना बिल आएगा और बिल्कुल जिंदा घर जाएगा, नहीं तो मैं गद्दी पे बैठना छोड़ दूंगा। पहला चमत्कार ये हुआ मेरे साथ। क्या कष्ट है! मैं तो जो भी काम करता हूँ जी, मैं तो 2018 में आया था जब जीरो था, कर्जा था, इनके पूछे बगैर मैं कोई काम ही नहीं करता हूँ। कमल मित्तल, कोरोना जैसे महाकाल से बचे हैं, क्योंकि कोरोना के समय एक काल चल रहा था जहां पता नहीं कब किसकी मृत्यु हो जाए, लेकिन कमल पटेल भी कमल मित्तल जी हताश हो चुके थे, निराश हो चुके थे। गुरुजी ने इनका फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन जब उन्होंने व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया तो उसका रिप्लाई आया। गुरुजी ने कहा आप चिंता मत करो, आपको कुछ नहीं होगा। आज भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, जब गुरुजी ने कहा कोरोना वरोना कुछ नहीं कर सकता तेरा। मैं बिल्कुल सुना सकता हूँ। देखिए आपकी जन अदालत न्यूज़ का अपडेट, ये रिकॉर्डिंग हम सबूत भी चाह रहे हैं। आपकी जन अदालत न्यूज फेक न्यूज पर विश्वास नहीं करता है, सबूत के तौर पर अभी मित्तल जी रिकॉर्डिंग भी बताएंगे। जब कोरोना काल में ये परेशान थे, पंडोकर धाम से इन्होंने बात की, कॉल को टैप किया गया ताकि हम आपको बता सकें कि पंडोकर धाम में जो होता है वो सच और सच होता है। जी अब वो रिकॉर्डिंग सुनाने जा रहे हैं जी। इधर से आती है, स्पीकर पे कर देता हूँ। कैसे होगा स्पीकर पे? ये गुरुजी, 9 दिन से बुखार चल रहा है, कोरोना आ गया, कोरोना हॉस्पिटल में हूँ। सिर्फ आप को? हाँ सब लो। हाँ कोरोना भाग जाएगा, क्यों चिंता कर रहा हूँ? ठीक है धन्यवाद। तुम्हारा क्या कोरोना करेगा? ठीक है धन्यवाद गुरुजी। ठीक है गुरु जी। ये मोबाइल में अभी आप रिकॉर्डिंग सुन रहे थे, पंडुकर सरकार ने कहा आपका कोरोना चला जाएगा, भाग जाएगा, तो ये रिकॉर्डिंग थी सबूत के तौर पर, क्योंकि इनकी बात हुई थी कि नहीं हुई थी ये आपकी जन अदालत न्यूज ने भी सिद्ध किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपकी जन अदालत न्यूज हमेशा सच्चाई की तलाश में रहता है, और यदि आपको लगता है कि पंडुकर सरकार से आपको कोई शिकायत है या आपको लगता है कि यहाँ चमत्कार नहीं है, तो आप हमारे साथ सीधा जुड़ सकते हैं। तो खर के श्रद्धालु हैं और आपकी जन अदालत न्यूज के भी ये दर्शक हैं। पंडुकर सरकार की जय। मेरा नाम नीरज तिवारी है। और किसमें पंडुकर महाराज के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने कल ही इनके बारे में जाना कि मतलब कि जिस तरह से इन्होंने एक औरत के मतलब जो जादू टोना हो जाए, जो ब्लैक मैजिक जिसको कहा जाता है आज के दौर में, वैसे तो मैंने उनमें देखा कि उन्होंने किस तरह से उनको ठीक किया, लाइव देखा, ऑन द स्पॉट देखा। और अगर आप ये सब यूट्यूब पे देखते हैं और काफ़ी सारे इन सब पे ब्लेम भी आते हैं, कि मैं आपको कहना चाहता हूँ आप यहाँ आके देखिए पंडोकर महाराज की जय, और आपको पता चलेगा कि सच्चाई यहाँ आने के बाद। जय हिंद। आपने क्या बोला? मिश्रा। तो पिता का नाम राम नारायण, रामदेव। चलिए कन्फर्म हुआ, बोलो।
कन्फर्म हुआ, बोले क्या पूछना चाहते हो? गुरुदेव महाराज चरणों में प्रणाम करता हूँ, उसके बाद अपने इष्ट प्रणाम करता हूँ। आपके इष्ट कौन है? श्री सतगुरुदेव भगवान श्री हनुमान जी महाराज और मेरे प्रथम गुरु वही है, आराध्य गुरु शिव महाराज। वाह, भगवान भोलेनाथ शंकर श्याम केशरी नंदन। वाह, ये बड़े सौभाग्यशाली है कि आपने हनुमंतलाल जी महाराज हमारे गुरुदेव को गुरु बनाया। आप तुम्हारे गुरु भाई भाई भैया, बताओ क्या निवेदन है आपको? गुरुदेव सबसे पहले तो मैं इस धरती में कोई भी आता है अनजाने में बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं और मर्यादाओं का हमें ध्यान रखना पड़ता है, अकल आने में समय लगता है। प्रभु की कृपा के बिना ये सब चीज़ों का एहसास भी नहीं होता, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु का आशीर्वाद और कृपा मुझ पर है। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ, मैं उनसे दूर होता जा रहा हूँ, दूर हो गया, बस वो मेरे हाथ पकड़े। आप गलती क्यों करो? जब आपको गलती होती कर रहे जा रहे हो, आप दूर हो रहे हो, तो गलती विराम कर दो। गलती विराम कर दिया गुरुदेव पूरी पूरी तरीके से मेरी जानकारी में, बाकी आप सर्वज्ञ हैं, परमात्मा सर्वज्ञ हो। आपकी शादी हो गई? जी। पति का नाम क्या? जय श्री अग्निहोत्री मिश्रा। हनुमान जी तो मना नहीं करेंगे शादी के लिए? तो हनुमान जी हमारे हमारे नहीं कहते, गुरुदेव नहीं कहते कि शादी मत करो। शादी हो गई? हो गई। तो ऐसी फिर कौन सी गलती हुई जिससे कि आपको आपके इष्ट मेरे गुरुदेव भगवान आप तो दूर हो रहे हैं? जब बेदूर हो रहे हैं तो फिर मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे पास बचा क्या? मुझे दूरी वो दूर नहीं हुए हैं मुझसे, मैं भ्रम में आ गया था। एक एक मेरे साथ एक बच्चे को लेकर घटना हुई है। मेरा बच्चा आया था, मैं पहले एक बार आपसे मिल चुका हूँ। कब मिले थे? पिछले महीने। तुमने क्या बताया था पहले? वो उसमें मैं पर्ची अपने नाम की कटाया था, पत्नी आके मिली थी आपसे। हाँ, तो डर समाप्त हो गया जी। आपसे मुलाकात मेरी नहीं हुई थी। तो क्या पूछा था पत्नी ने? हम वाली पर्ची जो कटाए थे गुरुदेव, वो बच्चे को लेके मुझे। बच्चे गए आपके? हाँ। बच्चे नहीं है? नहीं है, एक बच्चा हुआ था गुरुदेव, 9 महीने पूरा रहा। हमारे जो कैलकुलेशन करते हैं उसके हिसाब से पूरा 9 महीने होके, 9 महीने 1 दिन का होता है, हम हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं और बच्चे की धड़कन नहीं मिलती। जबकि बाई प्रोफेशन हम दोनों मेडिकल फील्ड में ही हैं। आप डॉक्टर हैं? मैं फार्मा में हूँ। अच्छा। वो हॉस्पिटल में है, नर्स डाइटिशियन है। अच्छी। तो आपको तो ये पता होगा कहाँ गलती हुई? गुरुदेव महाराज मेरे पास मेरा बालक आता है गोद में मेरे, ये सब घटना होने के बाद तो अंतरात्मा से अचानक एक गुस्सा आती है मुझे, और मैं जो अपने मेरे इष्ट हैं गुरुदेव महाराज या भगवान पे अचानक भरोसा उठ जाता है एक क्षण के लिए, केवल एक क्षण के लिए, और 3 सेकंड हुए होंगे, तुरंत दिमाग में आता है कि गलत कर दिया तुमने, इसके साथ ये नहीं ये हुआ, और जो मेरे को प्रेरणा आई ईश्वर ने दिया वो मैं आपका मार्गदर्शन लेता हूँ, वही चीज़ मुझे मिल जाती है, आप भी वही बताते हैं। इससे मुझे ये लगा कि ईश्वर मेरे साथ है और उनकी कृपा से हो रहा है, बस मेरा इस जन्म का उद्धार हो जाए, मैं उनके श्री चरणों में लगा रहूं, बाकी जैसी उनकी कृपा होगी। अब क्या करते हैं? अभी क्या कर रहे हैं? कोई पूजा आराधना कोई अभी साधना, कोई साधना नहीं, बस ये चाहता हूँ कि पहली दिमाग में ये रह गई मेरी बात गुरुदेव महाराज की, मेरे को भगवान इस जन्म से उद्धार करें, मेरी नैया पार लगाए, अपने शरण में लेते हुए वो मैं एक पैर बढ़ाता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि वही करा रहे हैं, अच्छा करा रहे हैं या बुरा। अच्छा। मैं अपना दिमाग कुछ नहीं लगाता गुरुदेव महाराज। मतलब आप गलत रास्ते पे जाएंगे तो जुआ खेलोगे तो मतलब हमारा नहीं, ऐसा तो करता नहीं, ईश्वर की दया से अध्यात्म में आ गया हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, माला जाप करता हूँ। भाई साहब बोल पर मैं बताओ, देखो क्या है, जलेबी का भाई है, जलेबी की बहन है इमरती जी, यदि हम जलेबी में 4-5 घंटे होते हैं इमरती बना के हम ही पर्स देंगे तो आप क्या ले जाओगे उनसे, इसलिए मैं बता दो आपको दिक्कत कहाँ है, मैं वही फॉल्ट सुधारता हूँ। दिक्कत मेरी है महाराज कि मैं चाहता हूँ कि भगवान सदगुरुदेव ही मुझे गाइड करते रहें, मैं जैसे वो गाइड करेंगे मैं चलता जाऊँ बस उस रास्ते में, मैं भटकूँ ना इस जीवन में, आशीर्वाद चाहता हूँ उनका। चलिए हमने लिखा सुनिए, आइए पास में आइए, पढ़ने में आ रहा पूरा पूरा। श्री हनुमान जी का दिव्य दर्शन
वह संकेत आते जाते हैं जी। साधना करो, दिव्य कृपा होगी। सन 2022-2024 तक साधना के तप के कारण सात विद्धि से, सर्व विद्या से, देवमणि के माध्यम से जो ब्रेन की गति किसी मोहिनी के कारण, ये मैंने छह पर लगा दिया है, बाकी आप पढ़ पा रहे होंगे, मैंने कोई नाम डाला मैं बताऊंगा नहीं जी। पढ़ पा रहे जी, बताया था आपने। तो बस सीताराम है, जाओ हनुमान जी के पास से, आपकी बाधा आज से खत्म, और जो हमने बताया वही सत्य है, और जो हम पूर्व लिख चुके हैं वो भी सत्य है। हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद जाइए। पत्नी ने लिखा है वो भी सत्य, हनुमान जी कृपा करेंगे और मनोरथ पूर्ण होगा। शीघ्र ही आपके घर में आपका पुत्र अंत रूप में हनुमंतलाल जी कृपा से फल प्राप्त होगा, आशीर्वाद। बोलो, आप तो हमने इनके पत्नी को बोला था 1100 रुपए का, तो 1100 रुपए महाराज भी बता दीजिए। जय धन्यवाद, जिसकी कैसे करना बता देंगे इसकी वो बताएंगे हमारे मेडिकल वाले।